वेलकम दोस्तों मेरे चैनल में टेक सुमन पर। आज हम डिस्कस करेंगे टम्बलर गियर मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए देखते हैं टम्बलर गियर मैकेनिज्म क्या है। टम्बलर गियर मैकेनिज्म कहाँ यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है लेद मशीनों में। लेद मशीनों में इसका फंक्शन क्या है? लेद मशीनों में इसका फंक्शन है लीड स्क्रू, यानी कि लीड स्क्रू और जो हमारे फीड रॉड है वो लीड स्क्रू और फीड रॉड को पावर प्रोवाइड करना इनका काम है। कहाँ से? ना स्प्लाइन गियर से, यानी कि स्प्लाइन शाफ्ट है जो चाक के साथ कनेक्ट है, उसका पावर को लीड स्क्रू या फीड रॉड में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम है टम्बलर गियर का, टम्बलर गियर मैकेनिज्म का। तो टम्बलर गियर मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देखते हैं। टम्बलर गियर में एक तो होता है स्पिंडल गियर। क्या है स्पिंडल गियर? जो चाक के साथ कनेक्ट है, जिसे हम मोटर से घुमाते हैं, उनके बीच गियर रहता है, मोटर से पावर आता है, उसके बाद गियर से डिस्ट्रीब्यूट होता है स्पिंडल गियर में। तो स्पिंडल गियर घूमता है मोटर से, तो स्पिंडल गियर की जो स्पीड है उसे अगर हम लीड स्क्रू और फीड रॉड में देते हैं तो हमारे जो कैरिएज है वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट होता है। हमें हैंड व्हील को घुमा घुमा के उसे मूव नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली मूव करता है। तो टम्बलर गियर में होता है तीन गियर, ये तीन गियर का सेट से बनता है टम्बलर गियर। ये जो है यह है लीवर, इसको हम अपवर्ड, डाउनवर्ड और मिड पोजीशन में रहने से फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स स्पीड गेन कर सकते हैं, ये पोजीशन को हम गेन कर सकते हैं। तो इनका तीन पोजीशन है, क्या ना? एक है न्यूट्रल पोजीशन, जिसमें कोई पावर फीड रॉड या लीड स्क्रू में आता नहीं है, हम तब अपने हैंड से उसे घुमाते हैं व्हील को, तो ऑटोमेटिकली फीड जब नहीं रहता है तब है न्यूट्रल पोजीशन। फॉरवर्ड पोजीशन क्या है? फॉरवर्ड पोजीशन वो है कि जब हम ये लीवर को ये नीचे हिस्से में खींचेंगे तो क्या होगा, तो ये जो लीड स्क्रू और फीड रॉड का गियर है वो इस तरफ घूमेगी, इससे हमें फॉरवर्ड पोजीशन मिलेगी, जिससे क्या होगा ना कैरिएज जो है वो मूव करेगा चाक की ओर, ठीक है, हेड स्टॉक की ओर मूव करेगा। और रिवर्स पोजीशन क्या है? रिवर्स पोजीशन में हम जब लीवर को ऊपर हिस्से में खींचते हैं तो वहाँ का जो स्पिंडल गियर है उससे पावर आते हैं लीड स्क्रू और फीड रॉड में, तब क्या होता है, तब ये जो कैरिएज है हमारी वो टेल स्टॉक की तरफ मूव करता है और देता है हमें रिवर्स पोजीशन। तो न्यूट्रल पोजीशन में क्या है? न्यूट्रल पोजीशन में स्पिंडल गियर कोई भी टम्बलर गियर से मेंस नहीं होते हैं, वो अकेले होते हैं, तो अकेले घूमेगा, अकेले घूमेगा तो ये टम्बलर गियर का जो गियर्स है वो एक भी नहीं घूमेगा, क्योंकि उनसे मेंस नहीं है। अगर टम्बलर गियर नहीं घूमेगा तो लीड स्क्रू और फीड रॉड जो है वो भी नहीं घूमेगा। तो यह है न्यूट्रल पोजीशन, जब हम अपने हैंडों से, अपने हाथों से कैरिएज को मूव करते हैं व्हील को घुमा घुमा कर। यहाँ पे लीवर रहता है मिड पोजीशन में। जब हम ये लीवर को नीचे हिस्से की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि ये जो तीन गियरों का सेट है इसका जो बीच वाला गियर है वो मेस हो जाते हैं स्पिंडल गियर से, तो स्पिंडल गियर से वो मेस हो गया। अब क्या होगा, पावर आएंगे स्पिंडल गियर में तो स्पिंडल गियर रोटेट होना चालू करेगा, और उसके बाद रोटेट होगा क्या टम्बलर गियर का ये गियर। हमें एक बात ध्यान देना चाहिए कि जब दो गियर मेस में होते हैं तो एक गियर अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो दूसरी गियर घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ये बात हमें ध्यान में रखना होगा। तो हमारा जो स्पिंडल गियर है वो घूमता है इस तरफ, तो टम्बलर गियर जो इसके साथ मेस है वो घूमेगा इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये अगर
इस पोजीशन में घूमते हैं तो ये घूमेगा इस पोजीशन में, ठीक है, और इसको इस पोजीशन में घूमने से क्या होगा, इसके साथ जो गियर मेस है टम्बलर गियर का, ये गियर इससे मेस है, ये गियर इससे मेस है, तो इनका इस तरफ घूमने से ये गियर इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा और ये भी इसका अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। अब ये जो गियर है ये मेस है, लीड स्क्रू का जो गियर है और फीड रॉड का जो गियर है उनसे मेस है, लेकिन ये जो गियर है ये सिर्फ और सिर्फ टम्बलर गियर से मेस है, दूसरी कोई गियर से मेस नहीं है, एक टम्बलर गियर से मेस है, ये टम्बलर गियर से ये टम्बलर गियर मेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस टम्बलर गियर से मेस है। तो स्पिंडल गियर जब घूमेगी तो ये इस तरफ घूमेगी, इसका इस तरफ घूमने से ये इस तरफ घूमेगा। अब ये कौन से मेस है, लीड स्क्रू गियर और फीड रॉड के जो गियर है उनसे मेस है, तो इसका इस तरफ घूमने से ये घूमेगा इस तरफ, ठीक है, तो हम फॉरवर्ड पोजीशन गेन करेंगे, तो कैरिएज हमारा हेडस्टॉक की तरफ मूव करेगा। अब चलते हैं रिवर्स पोजीशन की तरफ। रिवर्स पोजीशन में क्या होगा, हमारा जो कैरिएज है उसे अब टेल स्टॉक की तरफ आना है, तो वो आएगा कैसे, हमारा जो टम्बलर गियर का सेट ऑफ गियर्स था उनका जो लीवर था अब उसे हम न्यूट्रल पोजीशन का जो था बीच वाला वहाँ से हम ऊपर हिस्से में उसे खींचा है, तो ये जो टम्बलर गियर था उसका ऊपर का जो गियर है वो मेस हो गया है, जो हमारा स्पिंडल गियर था उनसे मेस हो गया, और बीच वाला जो गियर था वो मेस हो गया है इन दोनों टम्बलर गियर से, इससे भी मेस हुआ है और इससे भी मेस हुआ है, और ये टम्बलर गियर किससे मेस हुआ है, ये टम्बलर गियर मेस हुआ है लीड स्क्रू और फीड रॉड की गियर से, ठीक है। तो अब पावर आएगा कैसे, अब पावर आएगा स्पिंडल गियर से, स्पिंडल गियर इस तरफ घूमने से ये जो टम्बलर गियर के फास्ट गियर है ये घूमेगा उसकी विपरीत दिशा में, अगर ये क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में, इसका एंटी क्लॉकवाइज में घूमने से क्या होगा, इससे साथ जुड़े जो गियर है ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये मेस है इस गियर से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमने से ये जिसके साथ मेस है वो है लीड स्क्रू गियर और फीड रॉड गियर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने से ये घूमेगा क्लॉकवाइज, ऐसे हमें जो रिवर्स पोजीशन है यानी कि कैरिएज की टेल स्टॉक की तरफ घूमना वो चालू हो जाएगा, तो ऐसे हम तीनों पोजीशन गेन कर सकते हैं, फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स। इस मेकानिज्म का नाम है टम्बलर गियर मेकानिज्म। थैंक यू दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को पड़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी लर्निंग करने का मौका मिले। थैंक यू दोस्तों।